खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। संसद से पास हुआ नागरिकता कानून, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में सताए भारतवंशी बनेंगे। अब भारतीय शरणार्थियों की आई होली दिवाली, दिल्ली से लेकर असम बंगाल तक विरोध, राज्यों के पास कानून लागू करने के सिवा कोई चारा नहीं। विरोध की मजबूरी के कारण गैर बीजेपी सरकारों ने उठाई आवाज, देश के मुसलमानों को विरोधियों ने बनाया विरोध का हथियार। हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता। सरकार ने कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं। यहाँ के माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ। नागरिकता के नाम पर मुसलमानों को दिखाया जा रहा है नागरिकता छीनने का डर। भारत के नागरिक जो हमारे मुसलमान भाई है उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। नागरिकता के सबसे बड़े कानून पर छिड़ी है जंग। नागरिकता कानून से मुसलमानों को कौन डरा रहा है? नमस्कार, शनिवार शाम 4 बजे एबीपी न्यूज पर सबसे गर्म बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। नागरिकता कानून देश का कानून बन चुका है। पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में सताए गए वहां के अल्पसंख्यक अब भारत के नागरिक बन चुके हैं। जो कल तक शरणार्थी थे वो देश के सम्मानित नागरिक बन जाएंगे। इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन आपत्ति तो हो रही है, विरोध प्रदर्शन तेज है, राजनीति भी जमकर हो रही है। सवाल यह उठाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि जो हो रहा है उससे भारत के मुसलमानों को नागरिकता का खतरा है, नागरिकता जाने का खतरा है। संसद में बिल रखते समय बार बार हालांकि देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बेवजह का डर फैलाया जा रहा है, लेकिन राजनीति विरोध प्रदर्शन रुक नहीं रहे। नागरिकता कानून से मुसलमानों को आखिर कौन डरा रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे मेहमानों से बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ आज स्टूडियो में निशांत वर्मा, संस्थापक ब्रिक्स के मौजूद हैं, लेफ्ट नेता सीपीआई के नेता अमीर हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही लेखिका शुभ्राष्ट्रा इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रही है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो ओवैसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है इस नागरिकता कानून को चुनौती देने के लिए। देखिए, केरल के कांग्रेस सांसद TN प्रतापन ने भी याचिका दायर की। अब तक कुल 14 याचिकाएं इस मामले में दाखिल हो चुकी हैं और जो सबसे पहली याचिका इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी वो IUML की तरफ से दायर की गई थी। तो अब तक कुल 14 याचिकाएं इस मामले में दाखिल हो चुकी हैं। मतलब कानून की कसौटी पर अभी ये जो बिल है, जो कानून बना है वो कसा जाना है। लेकिन इस बीच देश में जिस तरीके से राजनीति गर्म है और जो सवाल उठाया जा रहा है मुसलमानों को लेकर, आइए पहले डॉक्टर संबित पात्रा का रुख करते हैं और संबित से जानते हैं। संबित, जो कहा जा रहा है कि साहब देश के मुसलमानों के खिलाफ ये CAB, तो क्या मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार ने CAB के जरिए कोई साजिश रची है क्या? देखिए रुमाना जी, चंद दिनों पहले इसी डिबेट में 4 बजे में आपके साथ था और आपने ये प्रश्न मेरे से पूछा था। मैंने उस समय कहा था कि एक कसौटी पे आज में से आंकते हैं। रुमाना जी, मैं बार बार कहता हूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए, आप इस देश के एक सम्मानित नागरिक हैं, एक सम्मानित एंकर हैं, हर कोई आपको जानता है और आपके शो को देखना पसंद भी करता है और आप इस्लाम को भी मानती है। यू आर अ रेस्पेक्टेड मुस्लिम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि बाकियों से पूछूंगा तो वो जवाब देंगी नहीं, आपका कोई भी अधिकार हिंदुस्तान की सरकार ने इस कानून के माध्यम से छीना क्या रुमाना जी? कोई भी प्रिविलेज, कोई भी राइट आपका जो आज तक आपके पास था, किसी प्रकार से भी उसके ऊपर कोई हल्की सी भी आंच आई क्या? क्या रुमाना इसर खान को डर लग रहा है कि कल वो इस देश की नागरिक नहीं रहेगी या देश से निकाल दी जाएंगी? बिल्कुल नहीं। आज भी रुमाना है, आज भी रुमाना इतनी अच्छे से एंकरिंग कर रही है, उनके शो में हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, कल भी यही रुमाना रहेगी और परसों भी यही रुमाना हिंदुस्तान की नागरिक के रूप में आगे बढ़ते रहेंगी। रुमाना को डरा कौन रहा है? रुमाना को वो लोग डरा रहे हैं जो 70 वर्षों से मुसलमानों को डरा डरा कर अपनी राजनीति चमका रहे थे। ये जो कह रहे हैं ना
मुस्लिम डरे हुए हैं। आप देखिए, ये लोग लड़ रहे हैं मुस्लिम राजनीति की टेंडर को कौन लेगा, हु वुड बी दी हार्बिंगर ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया। आप देखिए, चंद दिनों पहले ममता बनर्जी और ओवैसी लड़ रहे थे बंगाल में कि ये मुसलमानों की राजनीति तो मेरी है, ये ओवैसी कहां से आ गया, ये सब वोट बैंक की राजनीति हो रही है। मैं एक अपील करना चाहता हूं एबीपी न्यूज के माध्यम से, किसी भी मुस्लिम का कोई अधिकार नहीं छीना गया है, बल्कि कुछ वंचित लोगों को उनका अधिकार दिया गया है। ये अधिकार छीनने की प्रक्रिया नहीं, अधिकार देने की प्रक्रिया है। इसलिए जो आर्जनी देश में करने की कोशिश हो रही है, उसे ना किया जाए। डॉक्टर पात्रा, आप जो बात कह रहे हैं उसे मैं लेकर चलती हूँ निशांत जी के पास। निशांत जी, देश के गृहमंत्री राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि ये जो नागरिकता बिल है, ये नागरिकता छीनने वाला नहीं, ये नागरिकता देने वाला है। वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इस मोदी राज में देश के मुसलमान को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी जिस तरीके से डॉक्टर संबित पात्रा समझा रहे थे, वो मेरा एग्जाम्पल दे रहे थे, वो बार बार मेरा नाम दोहरा रहे थे, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ सर। वो जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी ना, जिसने बताया था कि इस देश में करोड़ों की तादाद में ऐसे मुसलमान हैं जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, जो बेहद गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर क्या विपक्ष उन्हें गुमराह करके, उन्हें डराकर वोट बैंक की सियासत कर रहा है? देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से ही शुरू करता हूं कि जितने मुसलमान भारत के अंदर पिछड़े हैं, उससे कहीं ज्यादा तो हिंदू भारत के अंदर संख्या में पिछड़े हैं। इसलिए इस चीज़ पे डिबेट मैं इस समय नहीं करना चाहता, फिर कभी कर लेंगे। संबित भाई की बात पे मैं ये बता दूं, और आपने जो कोट किया कि होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में क्या कहा, तो होम मिनिस्टर साहब ने तो ये भी कहा कि 130 करोड़ भारतीय इस चीज़ के साथ हैं कि सीएबी बिल जो आया था और जो एक्ट बन गया है, अगर 130 करोड़ लोग साथ थे तो सड़कों पर उतर के अलग अलग राज्यों में पता नहीं कौन इनके हिसाब से किस देश के नागरिक आज हमारे देश में। आप सवाल का सीधा जवाब नहीं दे। तीसरी बात, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, डरने और डराने मुसलमान को क्यों डराया जा रहा है? डरने और डराने देश के मुसलमान को क्यों डराया जा रहा है? कांग्रेस के नेता खड़े होते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह कहते हैं मानना चाहिए सरकार को। दिग्विजय सिंह राज्यसभा में खड़े होकर ये कहते हैं कि इस सरकार को मानना चाहिए कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। क्यों सर, ये डर क्यों दिखाया जा रहा है? आपको लगता है कि देश का मुसलमान डर रहा है? देता हूँ जवाब। देखिए, आपको अलग अलग आवाजें विरोध पक्ष से मिल रही होंगी। कोई कहता है कि मुसलमान डरा हुआ नहीं है, और कोई कहता है विरोध पक्ष का कि मुसलमान को डराया गया है या डर रहा है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुसलमान तो डरा हुआ नहीं है, ये तो मुझे मुसलमानों ने भी कहा, हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें दो भाग हैं। कुछ एरिया है हमारे देश के अंदर जहाँ पे मुसलमान डरा हुआ नहीं है, चाहे ये लोग या कोई भी कुछ भी कर ले। लेकिन गुजरात जैसे राज्य का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, और यहाँ पे वहां मत जाइएगा जो सोच आ जाती है 2002 की। मैं आपको बताता हूँ कि केशुभाई पटेल, और दीजिएगा 30 सेकंड, केशुभाई पटेल जब चीफ मिनिस्टर थे, 14 पुलिस स्टेशंस की सीमा पे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगाया हुआ था। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट वो है जहाँ पे मुसलमान वहां से कुछ बेच नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता, सारी रात सारा दिन पुलिस उस पर निगरानी डबल करती है। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी साहब आए, मैं दे रहा हूं जवाब। सीएबी से क्या लेना? आप अगर वन लाइनर आंसर ढूंढ रही हैं, नागरिकता बिल को लेकर क्यों गुमराह किया जा रहा है देश के मुसलमान को, आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। रोमाना जी, सीधा जवाब दीजिए ना सर, इतनी भूमिका है। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, उसके लिए बात करनी पड़ती है। एक्सटेम्पोर दो लाइन बोल के मैं चुप। सर, बाकी मेहमान भी है ना? हाँ ठीक है, तो वाद विवाद में मुझे एक ही बार, मुझे एक ही बार का समय चाहिए, मैं पूरी बात दे देता हूँ जवाब। दे तो रहा हूँ मैं कि भाई वहां पे मोदी साहब ने उसको बढ़ा के 40 पुलिस स्टेशन कर दिया। आज 77 ऐसे पुलिस स्टेशन है गुजरात के अंदर जहां पे डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, मुसलमान वहां से हिल नहीं सकता, और सारा दिन सारी रात उस पर चौकसी निगरानी रखी जाती। ये तब की बात है जब कहते हैं कि 10-15 साल से कोई राइड्स नहीं हुए। ये मुसलमान को डराना किसने शुरू किया? मुसलमान डरा हुआ नहीं है, लेकिन ये डराने का शब्द जो इस्तेमाल है, ये बीजेपी इस तरीके से प्रोपगेट करती है, देखो मुसलमान को डरा हुआ है, ये और लोग बोल रहे हैं। आप डराते हैं लेकिन वो डरता नहीं। पर आप सीएबी से उसको नहीं जोड़ पाए, इसलिए आप मुसलमान के डर को नहीं जोड़ पाए। बिल्कुल जोड़ेगा, नहीं जोड़ पाए सीएबी से मुसलमान के डर को। आप 2002, आप गुजरात, आप मुसलमान इलाकों के अंदर ज्यादा पुलिस की तैनाती, आपने सीएबी को एनआरसी से जोड़ा। अच्छा, अब आए ना मुद्दे पर, अब आए ना आप मुद्दे पर। मैं सुभाष के पास
पास देखिए एनआरसी जो है सुन लीजिए हाँ। उसके बाद मुझे समय ही नहीं चाहिए इस पूरे प्रोग्राम में चाहिए। देखिए एनआरसी ये पूरे देश पे लागू करके ये करना चाहते हैं कि जिन मुसलमानों के पास अपने कागजात पूरे नहीं है, वो मुसलमान जो यहाँ का है उसके पास कागजात नहीं है, वो फॉरेन ट्राइब्यूनल के अंदर चक्कर जिंदगी भर लगाता रहे। और सीएबी इस वजह से और सीएबी उनको कवर नहीं देती है। गरीब मुसलमान सीएबी कवर देती है क्या? आज रोमाना को ये बैठ के नहीं, संबित पात्रा इतनी कहानी सुना रहे हैं कि रोमाना जी आज एंकरिंग कर रही हैं। आप बताइए संबित पात्रा जी, रोमाना जी का नाम खुदा ना करे लेकिन एनआरसी लिस्ट में बाहर हो जाता है, क्या ये फॉरेन ट्राइब्यूनल के चक्कर लगाती हुई नहीं मिलेंगी आपके सीएबी की बदौलत? दौरी मोहन हंस रहे, स्टॉप लाफिंग, गिव एन आंसर। जल्दी से संबित आप इस पर रिस्पॉन्स दीजिए अपनी, उसके बाद में आ रही हूं सुभाष आपके पास। रोमाना जी हम सीएबी पे डिस्कस कर रहे हैं, जिनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं वो इसी प्रकार की आर्ग्यूमेंट करते हैं, कोई तथ्य नहीं है, कहां गुजरात चले गए, गुजरात में कितनी पुलिस स्टेशन है, इन सब विषयों पे बात हुई। आपका नाम की कौन सीएबी से, क्या रोमाना इसर खान का नाम कट रहा है देश की नागरिकता से? एनआरसी में रोमाना जी का नाम नहीं आएगा तो क्या इन्हें फॉरेन ट्राइब्यूनल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे? क्या ये सीएबी रोमाना जी को कवर देती है हां या ना, इतना बताइए देश को। मैं चुप हूं, मैं बीच में बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा था, ये चिल्लाना, ये चिल्लाने की डिबेट नहीं होनी चाहिए, शांतिप्रिय तरीके से डिबेट करना है, ये भौं सिकोड़ करके ऐसे चिल्ला चोट की डिबेट ठीक नहीं। सुन लीजिए रोमाना जी, रोमाना जी आज हम सीएबी पे डिबेट कर रहे हैं, जब सीएबी पे इनके पास किसी प्रकार का तथ्य नहीं है तो ये भविष्य में एनआरसी होगा और हम रोमाना को निकाल देंगे देश से, इस प्रकार की भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को कोई देश से निकाल नहीं रहा है, अभी एनआरसी आया नहीं है, एनआरसी में क्या प्रावधान होंगे क्या नहीं होंगे उस पर अभी हम हवा में चर्चा नहीं कर सकते हैं। आप इतना बताइए सीएबी के माध्यम से कौन से मुस्लिम का हिंदुस्तान में हमने नागरिकता छीन लिया, कौन से मुस्लिम का हिंदुस्तान में नागरिकता छीन लिया? और दूसरी बात, आप ये जवाब दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे कि आप लोग पाकिस्तान एनआरसी और सीएबी एक साइकिल के दो पहिए हैं। एक साइकिल के दो पहिए हैं, ये सिर्फ एक बात का जवाब दे देना। रोमाना जी का नाम एनआरसी के लिए बात खुदा ना करे हो जाए, आप जब बोल रहे थे तो किसी ने टोका नहीं सर, किसी ने टोका नहीं। निशान जी प्लीज नहीं है और ये काले कानून बना के रोमाना जी, निशान जी अभी आप डिबेट के मुझे कायदे समझा रहे थे सर, अभी आप खुद कह रहे थे मुझे बोल लेने दो उसके बाद मेरे पास आना मत, मैं बोलूंगा नहीं। और अब आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। संबित पात्रा जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूं शुभ राष्ट्र आपके पास भी और आमिर हैदर जैदी साहब आपके पास भी आ रही हूं। आइए डॉक्टर पात्रा। देखिए रोमाना जी, मैं बस स्पष्टता के साथ कहता हूं, इस देश में 70 वर्षों में एक मानसिकता बनी हुई थी थैंक्स टू द वर्ड कॉल्ड स्यूडो सेक्युलरिज्म, कि हाँ ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्यान यहीं आके बसेंगे, ये घुसपैठिए हैं, उनको हम रेशन कार्ड बनाएंगे, उनका हम वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे। आज जब इन लोगों को लग रहा है कि अरे इसके ऊपर सरकार एक्ट करने लगी है, तब ये सारे तिलमिलाए हुए हैं और इनका एक ही लॉजिक है कि पाकिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान आके हिंदुस्तान में क्यों नहीं बसे? भैया हाफिज सईद अगर यहां का सिटीजनशिप मांगेगा हम क्यों देंगे? आप हाफिज सईद के हक में क्यों खड़े होते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आता है सर। आसाम में ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। ठीक है आसाम में ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। बीजेपी सड़क पे इसीलिए उतरी है कि आपके खिलाफ है, कि आप जो लॉजिक दे रहे दूसरे की नहीं आपकी है। ये अब भाजपा करे, आसाम में ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। आप जो बोल रहे थे मुसलमानों को देश से निकाला जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, आसाम में कोई भी मुसलमान सड़क पे नहीं उतरा हुआ है। आसाम में हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं आप है। देख के आए शिंजो एब तक ने अपनी मत को विजिट रद्द कर दी, क्या आप गए? अमित शाह जी ने सवाल ये कि आखिरकार एक सीएबी कानून से पहले जब आप डराने की कोशिश कर रहे थे उससे डरा नहीं पाए तो सीएबी को लिंक कर दिया जाता है एनआरसी से, और सिर्फ एनआरसी तक नहीं बल्कि हमने देखा किस तरीके से राज्यसभा के भीतर विपक्ष के नेता खड़े होकर डिटेंशन सेंटर तक सीएबी एनआरसी डिटेंशन सेंटर ऐसी डरावनी तस्वीर बना देते हैं। तो ये मुसलमानों को डराने का गंदा खेल कौन खेल रहा है, मैं ये समझना चाहती हूं आपसे। रोमाना जी इसमें सिर्फ आप पॉलिटिकल लीडर्स का आप नाम ले रही हैं, मैं तो इसमें कुछ देश के आला एंकर्स का भी नाम जोड़ना चाहती हूं जिनको अभी रेमन मैक्सेस से अवार्ड भी मिला है। डिटेंशन सेंटर ही नहीं, उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप शब्द का प्रयोग कर एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की है।
रोमाना जी, ये बहुत ही क्लियर बात है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जिसको टीवी पे प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना होगा, जो बात सिर्फ तथ्यों की करेगा, वो आपको बता सकता है कि एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। बात जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जाती है तो इसमें लोग बार बार ये कह देते हैं कि मुसलमानों को एक्सक्लूड करने का प्रश्न है, बट रोमाना जी 1951 में जब नेहरू जी ने अपना पहला कानून लाया था, पहला जो उनका बिल था संसद में, वो एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटीज का, सॉरी एक्सक्लूजन ऑफ रिफ्यूजीज का ही प्रश्न था, और उसमें इस बिल का जो कंटेंट था और नेहरू के जो 1951 के बिल का कंटेंट था उसमें जरा सा भी अंतर नहीं है। तो ये जो लोग हैं, या तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, या ये जानबूझकर पढ़ी लिखी बातों, जो बातें इन्होंने पढ़ी है उसको दरकिनार करके जनता के सामने भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। मैं संबित पात्रा जी की इस बात से इत्तफाक रखती हूं कि इस बिल में किसी को भी एक्सक्लूड करने की बात नहीं की गई है, इस बिल में और ऐसे शरणार्थियों को इंक्लूड करने की बात की गई है जो जिनको नेबरिंग कंट्रीज में परसिक्यूट किया गया है। ठीक है, एक्सेप्ट मुस्लिम्स शब्द का प्रयोग सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो जो तीन कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो मुसलमान बहुल क्षेत्र है और इसी वजह से वहां पे जो परसिक्यूशन होगा वो जाहिर सी बात है मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं होगा। अगर वहां से जो माइग्रेंट्स आते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के हो, वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होंगे और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स के लिए हमारे देश में क्लियर प्रावधान है कि वो सिटीजनशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या वर्क परमिट लेकर रह सकते हैं, ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं। बिल्कुल, वो जिन लोगों को सिर्फ दंगा भड़काना आता हो। ठीक है, आमिर हैदर ज़ैदी साहब, अब प्लीज आप आइए और फिर मुझे ये बताइए कि इतना कंफ्यूजन क्यों फैलाया जा रहा है। सर, ये जो पूरा का पूरा कंफ्यूजन है, इससे तो जाहिर सी बात है ना, डर फैलेगा। क्यों सीएबी, एनआरसी, डिटेंशन सेंटर, इस तरीके की बातें करके मुसलमानों के कंधे पर अपनी राजनीति की बंदूकें रखकर आप लोग गोलियां दाग रहे हैं? सर, क्यों? नहीं, हम कोई बंदूक की गोली नहीं दाग रहे हैं। सम्मानित एंकर हैं आप, सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार से तो बड़ी सम्मानित आप मुझे नजर नहीं आती। हम तो उन्हें सलाम करते, देश के फ्रीडम फाइटर थे, राष्ट्रपति भी थे, क्या उनसे ज्यादा सम्मानित फैमिली अगर आपकी है तो मैं मान लेता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। सर, उन्हें जो, एक मिनट सुन लीजिए, आप यहीं पर रुकिए, आप मुझे बताइए क्या हुआ है, क्या उनके सारे विकल्प खत्म हो गए हैं? सर, मैं मानती हूं आपकी बात कि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था, लेकिन क्या उनके सारे विकल्प खत्म हो गए? ये भी तो डर ही है सर, ये भी तो गुमराही किया जा रहा है इस देश को। आता हूं, पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। प्लीज आइए। आता हूं। कारगिल युद्ध का हीरो जिसने देश की खातिर बंगला लड़ा, उससे भी बड़ी सम्मानित नागरिक नहीं? डोरीमोन, बीजेपी के डोरीमोन बैठ के यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। सुन लीजिए प्लीज सर, ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ये तरीका नहीं, अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो मैं ये डिबेट करूंगा नहीं। अरे माफी मांगने की आदत है, मैं ये डिबेट छोड़ रहा हूं। ऐसे लोगों के साथ आप तुम भागोगे, ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं, भागोगे तुम, भागोगे। मुझे डिबेट नहीं करना है लोकतंत्र के अंदर, के साथ डिबेट नहीं करना है। तू तड़ा, ये बहुत गलत तरीका है। नहीं बिल्कुल रोमाना जी, लोकतंत्र के अंदर पढ़े लिखे लोगों के साथ डिबेट किया जा सकता है, सड़क छाप लोगों के साथ जो तू तड़ाक जब ये समाप्त हो जाए उनके साथ हम डिबेट नहीं कर सकते। लोकतंत्र के अंदर विकल्प क्या बचता? तो आप इनसे माफी मांगवाइए, ना धरना मान नहीं, ना प्रदर्शन मान नहीं, ना लॉन्ग मार्च, ना कैंडल मार्च, ये कहती कोई आवश्यकता नहीं इसकी। रोमाना जी, जो हम कह रहे हैं बिल्कुल वो सही है। मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं रहना चाहता वाराणसी के अंदर। रोमाना जी, अरे सुनिए भाई, सॉरी रोमाना जी, मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं रहना चाहता हूं। नहीं ऐसे बोल रहे हैं आप लोग, बहस में सर अपने आप ही संयम खोते हैं, इस तरीके की बातें रखते हैं। ठीक है, अब वो जो मुद्दा रख रहे हैं जिस प्रकार की गाली का ये गाली हम नहीं देते, हमारे शब्दों में नहीं आती। क्या इंसान है? लेकिन हम बताते हैं ना। अरे आप कैब से भैया, आप जैसे अनपढ़ गवारों के साथ यहाँ पर डिबेट करना पड़ रहा है, आप सोचिए जरा। अनपढ़ गवारों के साथ डिबेट करना पड़े, इससे खराब बात तो कुछ नहीं हो सकता। पंजाब के वंशजों को कहाँ से गवार उठा के लाती हैं आप रोमाना जी? आप संबित पात्रा, दो लोगों ने बनाया, एक हिटलर ने बनाया है और एक अब तुमने बनाया है। ये तारीख का जुमला बता रहा हूँ, दो ने बनाए, या तो हिटलर ने बनाए थे या आपने बनाए हैं। और समित पात्रा सुनिए, वाराणसी के अंदर जैतपुर थाना क्षेत्र के अंदर वहां के एसओ बोल रहे हैं,
आज सड़कों पर प्रदर्शन करने आ गए, एनआरसी लागू हो गई, बांग्लादेश बना के बंद कर दूंगा। ये आपकी पुलिस कर रही है। जैदी साहब बचिए मत सर, बचिए मत। कल जामिया के अंदर क्या हुआ? जैदी साहब अब आप जामिया पर आ गए, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। कल बच्चे आप मुझे ये बताइए, आपने जिन मुस्लिम परिवारों का नाम लिया क्या उन्हें इस देश से बाहर कर दिया गया? उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, हाथों गैस छोड़े गए, जैदी साहब गलत बात है। जैदी साहब गलत बात है। जैदी साहब आप गुमराह कर रहे हैं देश को, जैदी साहब आप गलत कर रहे हैं देश के साथ, आप अल्पसंख्यकों के साथ गलत कर रहे हैं सर, आप उनको गलत संदेश दे रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। आपने जिन परिवारों का जिक्र किया, मुस्लिम परिवारों का जिक्र किया, क्या उन्हें बाहर कर दिया गया इस देश से? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप डिटेंशन सेंटर की हकीकत मालूम है, उसमें क्या होता है? मैं बताऊं क्या होता है? वहाँ जो सुनवाई होती है वो आदमी सामने नहीं होता प्रस्तुत, वो आदमी सामने नहीं होता जिसके खिलाफ सुनवाई हो रही होती है, वहाँ खुद फैसला कर दिया जाता है। सीपीआई ने गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं सर, अपने परिवार से नहीं मिल सकता सर, सर नहीं भेजा गया किसी को डिटेंशन सेंटर, गलत बयानी, गलत बयानी कर रहे हैं आप, नहीं होती है, आप गलत बयानी कर रहे हैं जी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है, आप कहिए ऑन रिकॉर्ड, डिटेंशन, आप कहिए डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। एनआरसी का कैप का मतलब ये है कि जितने घुसपैठिए सबको नागरिकता दी जाएगी, और एनआरसी का मतलब ये है कि फखरुद्दीन अली अहमद के एनआरसी के डिटेंशन सेंटर करती हूँ। एक बार बिल पढ़ लीजिए, कुछ नहीं तो आप नेशनल टेलीविजन पर ही बिल पढ़ लीजिए, क्योंकि आप होमवर्क करके नहीं आए हैं जैदी साहब। मैं होमवर्क करके आता हूँ, आपकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ। वाराणसी के एसओ का बयान सबके सामने, पूरे देश के सामने, वो दमदारा है, वो प्रदर्शनकारियों को एनआरसी लागू हो गया है, प्रदर्शन करने कैसे निकल आए? ये लोकतंत्र है, जब लोकतंत्र के अंदर धरना, प्रदर्शन, गांधीवादी सारे सिस्टम फेल हो जाए तो बताइए नागरिक क्या करे? कितने पन्नों का बिल था सरकार तक किस तरह मुझे उंगली मत दिखाइए आप। आपकी उंगली से मैं नहीं डरती, मैं सीपीआई की उंगली से नहीं डरती। आप बताइए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में टेबल किया गया, कितने पन्नों का बिल कैंपस के अंदर घुसकर आप लोगों का हो गया सर, हो गया आप लोगों का। यहाँ पर जामिया की चर्चा करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि मुसलमानों को इस देश में गुमराह क्यों किया जा रहा है सर। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार के कौन लोग डिटेंशन सेंटर में है, नाम बता दो आप मुझे। जैदी साहब आप इस तरीके से बचकर नहीं निकल सकते हैं, आप नाम बताइए कौन डिटेंशन सेंटर में। मैं इस बीच बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को दे देती हूँ, रेप इन इंडिया वाले बयान को लेकर, रेप इन इंडिया वाले बयान को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। संसद तक हंगामा हो चुका है, संसद में स्मृति ईरानी की अगुवाई में महिला सांसदों ने राहुल को घेरा था, लेकिन राहुल बयान पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में राहुल ने कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल ने तो यहां तक कह दिया कि वो अपना नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है, ये अपनी पहचान राहुल गांधी ने कही है, जान दे दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। डॉक्टर संबित पात्रा का रुख करते हैं हम। डॉक्टर पात्रा, राहुल गांधी याद दिला रहे हैं कि सावरकर जी ने तो अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूं, मैं तो राहुल गांधी हूं। देखिए रोमाना जी, अगर हजार जन्म भी राहुल गांधी ले लेंगे तो भी राहुल गांधी राहुल सावरकर बन ही नहीं सकते हैं। सावरकर माने होता है वीर, सावरकर माने होता है देशभक्ति, सावरकर माने होता है बलिदान। और वो राहुल गांधी जो आर्टिकल 370 CAB एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक पे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो वीर बलिदानी देश प्रिय कैसे हो सकते हैं? हाँ, अगर नए नाम का इनको इतना शौक है तो आज से हमने उनके लिए एक नया नाम इजाद किया है, आज से पूरा देश उन्हें राहुल शर्मकर
राहुल थोड़ा शर्म कर के नाम से पुकारेगी, क्योंकि जो व्यक्ति मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया कहता है इस हल्के शब्द के साथ, मतलब इतने मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट को रेप जैसे जघन्य अपराध के साथ कंपेयर करता है, महिलाओं की बेइज्जती करता है, उस आदमी ने शर्म के हर रेखा को क्रॉस किया है। आज से देश उसे राहुल शर्मकर के नाम से जानेगी। आइए निशान जी, राहुल गांधी राहुल सावरकर नहीं है, बता रहे हैं कि राहुल गांधी मेरा नाम है। संबित पात्रा बता रहे हैं कि राहुल थोड़ा शर्मकर नया नाम चाहिए तो ये ज्यादा सूट करेगा राहुल गांधी को। अब देखिए अचंभित पात्रा जी जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम खराब करने का तो इनका पुराना तरीका रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो बहुत सही कहा है। सच बोलने के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, झूठ बोलने वाले माफ़ी मांगते हैं, डरने वाले माफ़ी मांगते हैं। तो सावरकर की तुलना करना अपने आप से बिल्कुल नहीं चाहते थे और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया है। अब अचंभित फात्रा जी को जो बोलते रहना है बोलते रहे फात्रा जी, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अब आऊंगा जैदी साहब, लेकिन ये आखिरकार सावरकर का ही जिक्र क्यों किया यहाँ पर राहुल गांधी ने? राहुल सावरकर नहीं, मैं राहुल गांधी हूँ, क्यों किया? नहीं, हो भी नहीं सकते। सावर का मतलब है अंग्रेजों से वजीफा लेने वाला, सावर का मतलब है क्रांतिकारियों की मुखबरी करने वाला, सावर का मतलब ये है भगोड़ा जहां से जराइम करके इंग्लैंड भागने वाला, सावर का मतलब है एक टेलर मास्टर की दुकान पे काज बटन लगाने वाला, सावर का मतलब यह है कि अंग्रेजों के बार बार माफी मांग के क्रांतिकारियों से गद्दारी करने वाला। तो गांधी राहुल गांधी नहीं हो सकते, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो जवाहरलाल नेहरू का वंशज है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, जेल की यातनाएं सीखी, वो सावर वो राहुल गांधी हो, तो उनके वंशज में और उनके वंशज में अंतर है। संबित पात्रा, कुल मिलाकर वही बात, मतलब ये तो चोट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ये कमजोर नस है क्या कि भाई कहां थे ये लोग जब देश लड़ाई लड़ रहा था अपनी आजादी की? सावरकर साहब ने तो तब माफी मांग ली थी अंग्रेजों से, इसी वजह से राहुल गांधी इस फैक्ट को अंडरलाइन करने के लिए कह रहे हैं क्या कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं वो सावरकर नहीं हूं जो अंग्रेजों से लिख लिख कर माफी मांगे, मैं राहुल गांधी हूं। देखिए जहां तक वंशावली का विषय है, वंशों की बात है, सावरकर तो 10 वर्ष तक कोल्हू की बैल की तरह वो जो अंडमान निकोबार का गोलाकार जेल है ना, अंडाकार जेल में वो 10 वर्षों तक थे। जहां तक वंशावली की बात है मैं बता दूं आपको, और आप इसको इतिहास में पढ़ भी लीजिएगा, राहुल जी की माता एंटोनियो माइनियो अर्थात सोनिया जी के पिताश्री स्टेफानियो माइनियो, ये नाजी के लिए और मुसोलिनी के लिए काम करते थे, वो एक योद्धा थे नाजी और मुसोलिनी की सेना में, और खुद आप देखिए मुंबई के मैगजीन में, कांग्रेस के मैगजीन में ये इतिहास एक बार छप गया था, जिनकी माताश्री के पिताजी खुद मुसोलिनी और हिटलर के लिए काम कर चुके हैं, वो हमें क्या बताएंगे। और दूसरी बात, ये सीपीआईएम वाले अभी चिल्ला रहे थे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने फरमान जारी की थी कि 1962 के वॉर में कोई भी सीपीआईएम का कार्यकर्ता मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हमें खून नहीं देगा, इंडिया को खून नहीं देगा, ये खून देंगे चाइनीज को, ये खून देंगे का एक आर्टिकल हेडलाइन छपा था, आप याद करिए इंडियन एक्सप्रेस में, वो गूगल करके निकालिएगा जरूर, V.S. अच्युतानंदन द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी डिमोटेड। क्यों डिमोट किया गया? क्योंकि V.S. अच्युतानंदन ने 1962 के वॉर में कहा था कि जो इंडियन सैनिक है हम उनको खून देंगे, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था खबरदार इंडियन जवानों को खून नहीं देना है, खून देना है तो चाइनीज जवानों को खून देना है, ये जो बैठे हुए हैं गद्दार यहां पर देश के, ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। मिस्टर गद्दार जैदी, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, देश सरकार से आप लोगों ने बेचा है ना, बताता हूँ डोरेमोन साहब, माना ही नहीं है, माना ही नहीं है इस देश को कभी। डोरेमोन साहब ये बताइए, कनॉट प्लेस के अंदर किसान सभा के क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा किसकी गवाही पर हुई थी? डोरेमोन बता के जाना। सर सर समय इतना ही है मेरे पास, समय इतना ही है, प्लीज व्यक्ति अभी पोगो खेलने का टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से देश की सियासत आगे बढ़ रही है, बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है कि इस देश में कौन देशभक्त है और कौन गद्दार है। ऐसे में जनता से जुड़े जो असली मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूटते जाते हैं और राजनीति भटकाव वाली बनती चली जाती है।